हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राय। आज सबका आज वेलकम करना चाहूंगी आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आज हम अपने तीन प्रोडक्ट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं अपना देना चाहूंगी। मेरा नाम श्वेता राय है, हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। अभी 4 सालों से हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कर रही हूँ और अभी तक 25 स्टेट्स से ज्यादा मैंने हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत सारे स्टेट्स में की है और 400 से ज्यादा ट्रेनिंग मैंने अभी तक ली है हार्वेस्ट। तो आज हम अपने पर्सनल केयर के इन तीन प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हर दिन हम आपके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर आते हैं। तो अगर आप इस सब्सक्राइब के बटन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी ट्रेनिंग होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको खुद से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, माइट फ्रेंड? हमारी कंपनी हर दिन आपके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों लेकर आती है? बिकॉज जो हमारा मेन वेपन है, हथियार है, वो प्रोडक्ट है। आप अगर किसी के पास प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और आप उसको 2 से 4 चीजें अगर आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हैं ना, तो पहली बात, सबसे पहले सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए। मुझे पता है आप अगर उसको 10 चीजें बताएंगे तो शायद उसमें से आपको 2 या 3 चीजें ही याद रहेंगी उस सामने वाले को, लेकिन जब वो इतनी सारी चीजें सुनेगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि इतनी सारी चीजें, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसीलिए हमेशा हम ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर आते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका भरोसा हो, तो आप लोगों को एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं। सबसे पहले हमारी ये सारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो कौन लेकर आता है? तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ये सारी ट्रेनिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि हार्वेस्ट का मानना है हम आज जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बस लोगों को इस बिजनेस में लाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको उसके साथ ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। लाइफ में 25-30-50 हजार के जॉब के लिए हम 30-25 साल पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो जाकर जॉब मिलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें 2 लाख 10 हजार कमाना है तो सीखना पड़ेगा। तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी MI Lifestyle पहली कंपनी है, ऐसी कोई इंडियन कंपनी की मैं बात कर रही हूँ जिसका अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। आपने अगर अभी भी ये फेसबुक के पेज को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर करें। हम कल कौन सी ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फेसबुक के पेज से ही पता चलेगा। अब हमने अभी 40 दिन हो गए हमारे इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को, अभी हमने इन सारे दिनों में हमने बहुत सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स देखे। अब हम कौन से प्रोडक्ट्स देख रहे हैं? अपने पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स के बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और पर्सनल केयर के रेंज के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी डॉक्टर केसी गवर्नन सर से। आप जो हमारे होम केयर और पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स देखते हैं उनको बनाता कौन है, उनको डिजाइन कौन करता है, उनके फॉर्मुलेशन किसके यूज हुए हैं, वो है डॉक्टर केसी गवर्नन सर। इनका जितना एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमें सुन रहे होंगे जितने शायद उनकी एज भी नहीं होगी, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये अपनी लाइफ के 45 ईयर्स 45 साल पर्सनल केयर के रेंज के ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हिंदुस्तान लिवर के लिए, डाबर जैसी कंपनी के लिए, बिलसारा जैसी कंपनी में इन्होंने वर्क किया है, PhD किया है इन्होंने IIT मुंबई से, और इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मल्टीपल पर्सनल केयर रेंज के कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने का, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पैनल में ये एज अ साइंटिफिक एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, ऐसी पर्सनैलिटी जिनको इस पर्सनल केयर रेंज का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो अगर हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितना अच्छा हमें रिजल्ट, यही रीजन है हमें इतने अच्छे रिजल्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर मिलते हैं। हमारे जो हेल्थ केयर रेंज है उनको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड मिला है। और अगर बात करें, अब पर्सनल केयर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक चीज पूछती हूँ, एक इंसान क्या चाहता है? एक इंसान चाहता है मैं अच्छा फील करूं, और मैं अच्छा दिखना भी जरूरी है। एक हर एक इंसान आज अच्छा फील करने के साथ साथ सोचता है कि मैं क्यों ना अच्छा दिखूं, क्योंकि अगर दिखने की बात है तो सब अच्छा दिखना चाहते हैं, और फील करने के लिए तो प्रोडक्ट देखे हमने, हमारे हेल्थ केयर रेंज के प्रोडक्ट्स देखे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। अब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा दिखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, हम एक ऐसे बिजनेस में है ना जहां पे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं ना, तो आपके जो मिलने से वो 5-6 सेकंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छा दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आप अच्छे प्रेजेंटेबल नहीं है, तो जो इंसान आपके साथ 10 मिनट सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वो आपके साथ जिंदगी भर इस बिजनेस में क्या काम करेगा। इसीलिए हमारी कंपनी चाहती है कि आप अच्छा हेल्थ तो अच्छा रहे, आप अच्छा फील तो करें, साथ में आप अच्छे दिखें भी। तो अच्छे दिखने के लिए हमारे पास जो पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम उन सारे प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं।
सिंपल सी एक चीज है, मैंने अभी भी आपको बताया, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप किसी को पहली बार देखते हैं तो क्या चीजें आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? उसकी अगर स्किन अच्छी हो, मतलब उसकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, उसकी स्किन अच्छी दिखे, उसके बाल हेल्दी दिखे, उसके दांत अच्छे दिखे, तो ये सारी चीजें ना आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए हमारा ये जो सारा पर्सनल केयर रेंज का जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये सारे जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो FMCG मार्केट के अंदर आते हैं। FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसी चीजें जो मार्केट में बहुत फास्ट बिकती हैं, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा है। कहते हैं चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर माना जाता है FMCG। और FMCG की बात करें, जो हम ये पर्सनल डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं उसका जो मार्केट है वो 50% मार्केट FMCG का माना जाता है। हर साल 3.4 लाख करोड़ का मार्केट है FMCG का। जो अभी हमने हेल्थ केयर देखा ना, उससे बड़ा मार्केट ये FMCG में पर्सनल केयर का मार्केट बोला जाता है। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आज गांव में या इंटीरियर एरियाज में जो 45% सेल है वो ऐसे एरिया से आ रहा है। मतलब क्या है, आज उस एरियाज में भी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो, वहां के लोग भी अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं और लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो FMCG को 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। पहला फूड इंडस्ट्री, दूसरा हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट जो अभी हमने देखे अपने कंपनी के, और पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा मार्केट है। सबसे पहले स्किन केयर की बात करें, आपको पता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं उसका मार्केट 11,000 करोड़ का है। हेयर केयर का मार्केट 23,000 करोड़ का है और ओरल केयर का मार्केट 14,000 करोड़ का है। मतलब आप समझ रहे, आप एक हेल्थ केयर अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट को लेकर या ओरल केयर के प्रोडक्ट को लेकर बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट खड़ा कर सकते हैं। हमारा एक एक प्रोडक्ट पोटेंशियल रखता है एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने का। इसमें कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, सोप, साबुन, ये सब चीज उसमें आता है। होम केयर में जो हम डेली लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं वो सारी भी चीजें इसमें आती हैं। अब हमारी कंपनी ने हमारे लिए क्या किया है, अब अगर आप किस अगर आप कोई बड़े सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, हीरो हीरोइन है, तो शायद आपको कोई कंपनी कॉन्टेक्ट करेगी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रमोशन करिए, आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ये मौका हमारी कंपनी हमें देती है, हमारी लाइफस्टाइल हमें देती है। आपके पास 3 ऐसे सुपर ब्रांड जो ब्रांड है कंपनी लेकर आती है, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम प्रमोट करके आप कहीं ना कहीं एक ब्रांड एम्बेसडर जैसा फील कर सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ और आप भी यूज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमारा जो पहला ब्रांड है ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स वेलनेस एंड न्यू स्टार, अभी जो हम पर्सनल केयर का रेंज हमने स्टार्ट किया है वो हमारे एलिमेंट्स की जो भी पर्सनल केयर है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी हमने 2 दिनों में क्या देखा, 2-3 दिनों में हमने पहले स्किन केयर पे कुछ प्रोडक्ट देखे, हमने ओरल केयर पे कुछ प्रोडक्ट देखे और हमने हेयर केयर पे कुछ प्रोडक्ट देखे। आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है बॉडी ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आज हम 3 पे बात करेंगे, कल हम और 2 प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले जो 3 प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो आपकी बॉडी के जो स्किन है, आपके हाथ पैर के जो स्किन है, आपकी बॉडी के जो स्किन है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये हमारे 3 प्रोडक्ट है जिनको आज हम देखेंगे और ये कल 2 प्रोडक्ट है जो हम कल के सेशन में लेने वाले हैं। हमेशा देखा है हम अपना ज्यादा ना ध्यान है वो अपने फेस के स्किन पे रखते हैं। फेस पे हम बहुत सारे पैक लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। आज बहुत सारी लेडीज जो मुझसे ये चीजें सुन रही होंगी, ये ट्रेनिंग जब अटेंड कर रही होंगी, आज कुछ ना वर्ड्स आएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं उस वर्ड को 2 से 3 बार बताऊंगी। क्यों? जब आप किसी को ये चीजें बताने जाते हैं ना, 2-4 वर्ड अगर आप उनको समझाएंगे ना तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और आप अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे। अब अगर हेल्थ अगर बॉडी केयर की बात करें, हाँ, अपने फेस के स्किन को ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं सबसे पहली नजर आपके चेहरे पे जाती है। तो हमारा जो सारा केयर है ना वो हमारे फेस के स्किन पे ही हम ध्यान देते हैं। जिस तरीके से फेस को साफ करते हैं, स्क्रब करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन हटाते हैं, उस पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं, स्किन केयर के लिए तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन बॉडी का भी ख्याल रखना है। आपका चेहरा बहुत चमक रहा है लेकिन आपके हाथ पूरे ड्राई हैं, आपके पैर अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो एक गलत इंप्रेशन देता है। इसीलिए एलिमेंट्स कहता है पूरे बॉडी का ख्याल रखना जरूरी है, आपके हर एक जगह के स्किन का ख्याल रखना जरूरी है। इसीलिए हमारी कंपनी आपके लिए 3 ऐसे प्रोडक्ट आज जो हम बात करेंगे, बॉडी लोशन है और क्रीम है, जो आपकी कंपनी लेकर आई है। पहला जो हमारी कंपनी लेकर आई है वो है इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन।
इंटेंस का मतलब क्या है, अच्छी तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अभी मैं लास्ट में इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं, बॉक्स के ऊपर भी फोटो देख रहे हैं, किस चीज की, एलोवेरा के ऊपर। तो एलोवेरा की अगर हम बात करें, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो हमारे 95 में भी है, क्योंकि एलोवेरा आप लगा भी सकते हैं और एलोवेरा आप खा भी सकते हैं, दोनों तरीके से आपको बेनिफिट देता है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, याद रखा होगा आपने 95 में हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात किया था। इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, जो बहुत सारे बेनिफिट देता है। कैसे, जब हम धूप में जाते हैं, हमारे स्किन पे जब धूप पड़ती है तो हमारा स्किन कभी कभी बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है, जो सनबर्न हो रहा है सूरज की किरणों की वजह से, जो जल रहा है। स्किन पे कभी कभी खुजली इरिटेशन होता है, एलोवेरा उसमें भी हेल्प करता है उसको कम करने में। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसकी नमी जो है वो बरकरार रखता है, एंटी एजिंग का काम करता है। एलोवेरा एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, आपकी स्किन को बूढ़ा होने से बचाता है, एंटी एजिंग में मदद करता है। उसके बाद स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो उसको भी हटाने में मदद करता है। तो आपकी बॉडी पे अगर आप इसको रेगुलर इस क्रीम को लगाते हैं, तो अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको भी खत्म कर देता है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे आप स्किन की फोटो देख रहे हैं, इसको स्ट्रॉबेरी स्किन भी बोला जाता है। मतलब आपकी स्किन पे ना छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज जैसे दिखने लगते हैं, छोटे छोटे दाग जैसे दिखने लगते हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो वो आपके स्किन के जो दाग धब्बे है उसको भी हटाने में मदद करता है। दूसरी चीज हमने इसमें क्या डाली है, ये ज़ाइलेटोल जो आप देख रहे हैं, इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला गया है जो आप ये कह सकते हैं एक तरीके का शुगर होता है। इसका स्वाद जो होता है वो बहुत मीठा होता है, लेकिन स्किन केयर में इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स देखे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ये सब नाम रटने की जरूरत नहीं है, जो ये काम क्या करता है ना, बस आप वो याद रखिएगा। मैंने, अगर आपको याद है, मैंने कल एक शब्द यूज किया था, ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज जो नेचर से, जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को खींचने का काम करती है। तो ये जो चीज आप अपनी स्किन पे जब लगाते हैं तो आपकी नमी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और जब आपकी नमी एब्जॉर्ब होगी तो आपकी जो स्किन होगी वो हेल्दी दिखेगी, उसमें मॉइस्चर की कमी महसूस नहीं होती है। एक शब्द, जितनी भी लेडीज आज यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करी, एक शब्द को जरूर याद रखिएगा। जब आप किसी लेडी को पास ये जाते हैं ना प्रोडक्ट बताने के लिए, तो आप ये शब्द याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, आप देख रहे हैं 35 साल, फिर यहाँ पे 45 ईयर्स, यहाँ पे 55 ईयर्स, हमारे स्किन में एक एसिड होता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। ये जो एसिड होता है ना, वो आपकी स्किन में पानी को एब्जॉर्ब करने का, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, मॉइस्चर को पकड़ने का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये मॉइस्चर जो होता है, ये जो एसिड होता है, वो कम होने लगता है। जब वो एसिड कम होने लगेगा तो क्या होगा, आपकी स्किन पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ले नहीं पाएगी। तो ये लो ज़ाइलेटोल जो है वो आपकी हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है। आपको पता है, ये हाइलुरोनिक एसिड आप जाकर किसी ब्रांड का पता करिएगा, ये बहुत महंगा होता है। मैंने खुद, जब ये प्रोडक्ट हमारे रिलीज नहीं हुए थे, उसके पहले मैं खुद ये हाइलुरोनिक एसिड स्पेशली खरीद के लाती थी। इसके अलग से एसिड आते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, स्पेशली लेडीज को ये पॉइंट जरूर बताइए, क्योंकि अलग से वो ये क्रीम खरीदती है। आपकी स्किन के बैरियर को अच्छा करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। पहली फोटो में स्किन का जो लेयर है अच्छा है, तो कोई भी चीज हमला करेगी तो स्किन आपकी उससे लड़ पाएगी। लेकिन जब आपका ये जो स्किन का ऊपर का लेयर अगर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो कोई भी चीज हमारी स्किन पे जब हमला करेगी, अंदर तक उसका इफेक्ट दिखेगा, आपकी स्किन अंदर तक डैमेज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक शब्द और भी है, सेरामाइड। जैसे आपको नाम रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिएगा, ये आपकी स्किन है, आप ये ब्लू ब्लू इसमें दाने देख रहे हैं, ये है सेरामाइड। हमारे स्किन में जब ये चीज कम होने लगती है, दूसरी फोटो में देखिए पूरी भरी हुई है, तो अगर बाहर से कोई चीज आती है तो स्किन का जो ये सेरामाइड है वो बचाने में मदद करता है, आपके स्किन की जो नमी है उसको बचाने में मदद करता है। और जब ये धीरे धीरे कम होने लगता है तो आपकी स्किन जल्दी इफेक्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। तो ये जो ज़ाइलेटोल है आपको मार्केट के बहुत कम चीजों में मिलेगा, जो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज भी करती है और अंदर तक नमी को बरकरार रखती है। लेकिन क्या गारंटी है,
ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये जो आप बगल में फोटो देख रहे हैं ये एक स्किन का फोटो है। इसको जब बहुत लंबे समय तक हमने ज़ाइलोटॉल स्किन पे लगाया तो क्या देखा, उसकी नमी बरकरार रहने लगी, उसके अंदर के जो जो स्किन की लाइनिंग है वो अच्छी होने लगी, उसके जो कोशिकाएं हैं जो रिन्यू होने लगे, आपकी स्किन जेनरेट होने लगी, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए जो हमने ये ज़ाइलोटॉल को अपने स्किन पे रेगुलर समय तक लगाया। तो ये एक नेचुरल चीज इसमें डाली गई है। दूसरी अगर हम बात करें, एक तरीके का शुगर इसमें डाला गया है जो गेहूं से निकाला जाता है, जो वीट होता है उससे निकाला जाता है। ये क्या करता है, ये भी हाइलुरोनिक एसिड बनाने में मदद करता है। तो आपका जो स्किन होगा, जितना हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा रहेगा आपकी जो त्वचा है वो उतना मॉइस्चर नेचर से एब्जॉर्ब कर पाएगा, एटमोस्फेयर से, वातावरण से उतना मॉइस्चर वो ले पाएगा, तो इसमें मदद करता है। दूसरी चीज, स्किन पे अगर कोई हल्का सा जलन हो जाए, कभी खाना बना रहे, लेडीज को होता है खाना बना रहे कुछ हाथ पे आ गया तो जलन हो गया या कुछ दाग धब्बे हो गए, तो ज़ाइलोटॉल जो है उसमें भी लड़ने में मदद करता है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। याद रखिएगा क्यों बोला जाता है, पानी ज्यादा पियो। पानी पीते हैं तो हमारी स्किन जो है उसको पानी की जरूरत है हाइड्रेट रहने के लिए, तो आपका स्किन जो है वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। इसको आप मैजिक मॉइस्चराइजर भी कह सकते हैं। आपका ये क्या करता है, नेचर से भी पानी लेता है और आपकी स्किन के जो अंदर के लेयर है उससे भी पानी एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो आपकी ऊपर की स्किन है, ऊपर की त्वचा है, वो मॉइस्चराइज लगे, वो मतलब हेल्दी लगे, वो आपको सप्लीमेंटेड लगे, अच्छा दिखे, तो उसमें मदद करता है। और जैसा मैंने बताया, स्किन बैरियर को अच्छा रखता है, तो बाहर से कोई भी चीज जब हमला करेगी तो उसमें लड़ने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, अगर आप कोई फॉरेन का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो फॉरेन का ब्रांड उन लोगों के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन स्किन दूसरी कंट्रीज के स्किन से डिफरेंट होती है, हमारी स्किन थोड़ी थिक होती है, तो ये जो सारे प्रोडक्ट है वो हमारे इंडियन स्किन के हिसाब से बनाए गए हैं। तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए बनाया गया, स्पेशली आपके लिए कस्टमर किया गया है, और ये हाइड्रेट करता है। आपकी त्वचा कभी ड्राई नहीं होगी, इसीलिए उसको इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन, मतलब बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट है, पानी की कमी है, तो उसको मॉइस्चराइज करता है। ये मैंने आपको दूसरी चीज बताई। अब एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो जितने भी लोशन और आप क्रीम देखेंगे ना, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं, कुछ चीजें उसमें अलग हैं और कुछ चीजें सेम भी डाली गई हैं। जैसे अगर हम इंटेंस मॉइस्चराइजिंग की बात करें तो हमने इसमें एलोवेरा, ज़ाइलोटॉल और एक ग्लूकोसाइड्स डाला है। ये तीनों चीजें मिलकर आपकी स्किन को मॉइस्चर करती है, उसको स्मूथ करती है, उसको सॉफ्ट करती है और स्किन को बचाती है। अब जो दो पॉइंट में लेने वाली हूँ, ये सारे प्रोडक्ट में मैं रिपीट करूंगी, तो आप पहले ही इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, हमारा जो भी लोशन है, जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट है, सब में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें डाली है, मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे विटामिन का कॉम्प्लेक्स, और दूसरा मिनरल डाला है। क्यों, हमारे शरीर को तो बहुत सारे विटामिन आपने सुना, न्यूट्रलाइज लेते हैं, ये भी मिलता है विटामिन, वो भी मिलता है, स्किन को भी तो जरूरत है विटामिन की, इसीलिए हमने आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए अपने सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट, बॉडी केयर के प्रोडक्ट में मल्टी विटामिन डाला है। तो मल्टी विटामिन क्या करता है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, हमारी स्किन हर दिन जो होती है वो शेड होती है, निकलती रहती है, मतलब 30 दिनों के अंदर आपकी जो स्किन है वो पूरी रिन्यू हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन की सेल्स हेल्दी होंगे तो वो जल्दी जल्दी रिन्यू करेंगे, और उसको अच्छा रहने के लिए क्या चाहिए, मल्टी विटामिन चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, आपकी स्किन के लिए मल्टी विटामिन डाल दिया है। दूसरी चीज, जब आपकी स्किन में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, विटामिन ए का कमी हो गया, विटामिन बी1 का कमी हो गया, बी2 का कमी हो गया, तो क्या होता है, आपकी स्किन की लेयर हटने लगती है। आपने देखा इस फोटो में लेयर है, फ्लैकी स्किन कहते हैं उसको, झुर्रियां आने लगती हैं, पिंपल होने लगते हैं। तो विटामिन जो है वो आपके पूरे बॉडी के स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है, तो विटामिन के बहुत ज्यादा रोल है। और अगर आपकी स्किन पे विटामिन की कमी हो जाएगी तो आप धूप में जब जाएंगे आपकी स्किन जल्दी डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जब आप ये लोशन अपनी लाइफ में यूज करते हैं जिनकी स्किन थोड़ी ज्यादा ड्राई है, तो आपकी स्किन को सूरज की किरण से भी बचाने में मदद करता है। तो ये पॉइंट मल्टी विटामिन आपको हर प्रोडक्ट में याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, मिनरल कॉम्प्लेक्स। हमारे स्किन के लिए 3 मिनरल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। तो ये जो 3 मिनरल हैं, हमारे बॉडी के पूरे स्किन को जरूरत होगी तो
हमने स्किन केयर में भी डाला है, हमने फेस वॉश में भी डाला है, हमने बॉडी लोशन में भी डाला है। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो भी फेस वॉश होगा, जो भी क्रीम, जो भी लोशन होगा, सब में आपको विटामिन कॉम्प्लेक्स और मिनरल कॉम्प्लेक्स, ये जो आप कॉकटेल देख रहे हैं ना, मार्केट के किसी भी ब्रांड में आपको ये कॉकटेल एक साथ नहीं मिलेगा। ये हमारा एक यूएसपी है जो आपको याद रखना है। तो हमने इसमें 3 मिनरल भी डाला है जो आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है। तो हमने इसमें देखा मिनरल और विटामिन का कॉम्प्लेक्स है जो आपकी कोशिकाओं को जेनरेट करने में, बढ़ने में मदद रखेगा। जितनी हेल्दी सेल होंगे उतनी अच्छी आपकी स्किन दिखेगी, तो वो उसमें मदद करता है। अब इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले पानी के जो लॉस हो रहा है, वाटर का जो लॉस हो रहा है, उसको रिजर्व करता है, आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देता है। मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स है जो आपकी स्किन को हेल्दी करता है, जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो रही है उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। अब ये प्रोडक्ट में यूनिक क्या है जो आपको याद रखना है, इसको हमने इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्यों बोला है, क्योंकि 24 घंटे ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। याद रखिएगा, मार्केट में एक कंपनी है बॉडी शॉप, उसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे आते हैं। जैसा इसमें प्रॉपर्टीज है, अगर कंपेयर हम करें, वो इतने महंगे रेट में देते हैं, हमने बहुत कम रेट में बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आपको दिया है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये इतना अच्छा आपको मॉइस्चराइजिंग देता है, इसलिए इसका नाम हमने इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन रखा है। बात करें इसको लगाना कैसे, आदत डालिए। जितनी भी लेडीज है, देखिए मैं ये लेडीज इसलिए बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स को यूज नहीं करना है, जेंट्स की भी स्किन उतनी अच्छी है जितनी लेडीज को जरूरत है, उतनी जेंट्स को भी जरूरत है। बाथरूम में इस क्रीम को रखिए, नहाने के तुरंत बाद पूरे बॉडी पे आप लोशन जरूर लगाइए। तो नहाने के बाद आपको लगाइए, और सुबह और रात दोनों टाइम आप लगा सकते हैं। ऊपरी त्वचा पे लगाना है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है, हमारे सारे प्रोडक्ट को डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है, मतलब आपकी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट 100% सेफ है, हर बॉडी टाइप पे काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। इसका मतलब क्या है, आपको मार्केट में बहुत कम ऐसे पर्सनल केयर के, शायद ही कोई ऐसा पर्सनल केयर का रेंज मैंने तो अभी तक नहीं देखा जिसमें लिखा हुआ है सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। इस पॉइंट का मतलब क्या, ये समझिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हमारे हर एक प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए, बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल हैं और हमने उनको एक्टिव इंग्रेडिएंट बोला है। मतलब अगर हमने इंटेंस की बात की तो उसमें मैंने आपको ज़ाइलेटोल करके एक चीज बताई, वो अगर मैं मान लेती हूँ चलो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो जो भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो उस प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस दे रहा है, जो उस प्रोडक्ट में काम कर रहा है, वो जो इंग्रेडिएंट है वो हम हाई रेप्यूटेड MNC से सोर्स करते हैं, और वो जो इंग्रेडिएंट है वो एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट में है और काम कर रहा है। तो वो सारी चीज को सर्टिफाई किया जाता है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि यस ये चीज हमने डाली है और वो सच में काम कर रहा है, इसका हमें सारे प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि ये इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली में इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, जो हमारे हर एक प्रोडक्ट पे मैंने बताया है। तो ये हमारा इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन था। दूसरा जो है हमारा वो है कोका बटर बॉडी लोशन, इसमें कोको को यूज किया जाता है। ये जो एक चीज है, इसमें कोको बटर जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि एक फैटी एसिड होता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी है उसको अच्छा करता है, और स्किन का लचीलापन बरकरार रखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चे का स्किन या अपना स्किन उठाइए तुरंत अंदर चला जाएगा, लेकिन एक बुजुर्ग का स्किन अगर आप उठाते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? जब हमारी एज होने लगती है तो लचीलापन खत्म होने लगता है, इलास्टिसिटी कम होने लगती है, तो उसको अच्छा रखता है और आपके स्किन में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखने की ताकत रखता है। और इसमें जब आप इसको लगाते हैं, आपने लगाया अपने स्किन पे और थोड़ा सा मसाज कर लिया, तो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, क्योंकि इसमें एक फाइटोकेमिकल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन का जो एजिंग हो रहा है, बुढ़ापा जो आपकी स्किन पे दिख रहा है, उससे भी बचाने में मदद करता है। विटामिन ई इसमें डाला गया है, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, चेहरे पे अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, हमने उसके लिए तो 95 डाल दिया, स्किन के लिए क्या करेंगे, तो स्किन में विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपकी धूप से हम बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन आता है स्किन पे तो वो डैमेज करता है, तो उससे भी हमें बचाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसको अच्छा रखने में मदद करता है। कभी खुजली वगैरह जो होती है तो आपकी स्किन को आराम देता है, उसको सूद करता है। तीसरी चीज, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें हमने दो चीजें क्या डाली है, कोको बटर और विटामिन ई,
और ये एंटी ऑक्सीडेंट का रोल करता है, आपके स्किन के दाग धब्बे हटाने में मदद करता है। अभी मैंने आपको बताया था हमारे हर एक प्रोडक्ट में विटामिन और मिनरल का कॉम्प्लेक्स डाला है, तो इस चीज को मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि अभी मैंने आपको यही बताया। इसमें भी हमने मल्टी विटामिन डाला है, अलग अलग विटामिन डाले जो आपके स्किन को अच्छा करता है, प्लस मिनरल भी डाला है। तो ये कॉमन है जो हर एक प्रोडक्ट में रहेगा, तो इसमें भी मैंने ये चीज आपको बताई है। इसका बेनिफिट क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना विटामिन और मिनरल का, ये आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। ये हमारा एक नोवेल फॉर्मूला है जो हमने इस प्रोडक्ट में यूज किया है। तो कोको बटर जो है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है, आपकी जो अगर ड्राई स्किन है थोड़ी, उसको आपको एनर्जाइज करना है या रिजुविनेट करना है, उसको अच्छा करना है, तो उसमें मदद करता है। इसको भी पूरे बॉडी पे आप लगा सकते हैं, हर एक स्किन पे आप लगा सकते हैं, ऊपरी त्वचा पे ही लगाना है, प्लीज ये याद रखिएगा। और नहाने के बाद आदत डालिए, आपको कोई ना कोई लोशन अपनी बॉडी पे लगाना है, क्योंकि जब हम साबुन लगाते हैं हमारे स्किन का जो ऑयल है वो निकल जाता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइजर इसीलिए लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारा कोको बटर है। अब जो हम लास्ट में अपनी जो हम अपने क्रीम ले रहे हैं वो है एमोलिएंट बॉडी क्रीम। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एमोलिएंट का शब्द का मतलब समझते हैं। ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट माना जाता है जो आपके स्किन को सॉफ्ट करता है। जैसा आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारी स्किन की लेयर है। एक क्रीम होती है जो ऊपर से बस एक लेयर चढ़ा देती है। जब लेयर चढ़ जाता है तो आपका पानी जो आपका जो मॉइस्चर है स्किन का वो बाहर नहीं निकल पाता। दूसरा जो एमोलिएंट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ये क्रीम है, वो क्या करता है, आपके स्किन के अंदर की जो जगह होती है ना, आपकी कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है, उसमें चला जाता है और उस गैप को भर देता है। मतलब अंदर तक जाके आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो एमोलिएंट जो है वो इस तरीके से काम करता है। अगर कहीं पे ड्राई पैच हो गया है, आपका स्किन बहुत ड्राई हो गया है, तो एमोलिएंट उस ड्राई पैच को कम करने में मदद करता है और ऊपर ना एक तेल जैसी एक परत चढ़ा देता है और अंदर तक जाके आपकी स्किन पे ये एमोलिएंट काम करता है। इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने शिया बटर डाला है, जो एक शिया ट्री होता है उससे निकाला जाता है। एक क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है जो आपकी स्किन पे बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है। इसमें विटामिन होता है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करता है, और अगर कोई स्किन थोड़ा सा डैमेज है या स्किन का कलर थोड़ा सा खराब हो गया है, उसको टोन करने में मदद करता है और आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है। इसमें एमोलिएंट का भी प्रॉपर्टी है, जैसा मैंने आपको बताया, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है और जो एजिंग प्रोसेस हमारी स्किन पे हो रहा है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसमें हमने दो चीजें डाली हैं, एक सिया बटर डाला है और दूसरा हमने इसमें एमोलिएंट एक्टिव डाला है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, अच्छा करता है, उसको सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। इसमें भी वही मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स, इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स और मिनरल कॉम्प्लेक्स, तो ये चीजें हमने इसमें डाली है। अब ये जो क्रीम है हमारा, ये एक जगह आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोगों की फटी एड़ियां होती है, क्रैक्ड हील के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके एड़ियों को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। और उसमें जो सिया बटर है वो आपकी स्किन को अच्छा करता है, सॉफ्ट करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मार्केट में जो भी एमोलिएंट आता है वो लोशन के फॉर्मेट में आता है। अभी मैं आपको लोशन और क्रीम में एक डिफरेंस भी बताऊंगी। लोशन के फॉर्मेट में आता है, ये पहला ऐसा एमोलिएंट क्रीम हमारी कंपनी लेकर आई है जिसमें मिनरल और विटामिन दोनों का कॉकटेल डाला गया है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो ये क्रैक्ड हील पे भी आप लगा सकते हैं। इसको पूरे बॉडी पे लगाइए और ऊपर त्वचा पे ही लगाना है, स्किन के लिए सेफ है, हर तरीके के स्किन वाले लगा सकते हैं। और हमारा जो भी लोशन आप देख रहे हैं या जो भी क्रीम देख रहे हैं, सारे क्रीम को 10 साल के ऊपर के बच्चे लगा सकते हैं, तो 10 साल के ऊपर वालों को आप ये बच्चों को भी क्रीम लगा सकते हैं। और इसमें भी हमने जो भी इंग्रेडिएंट डाला है, जो उसमें काम करता है, उसका हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि यस, जो हमने अगर इसमें डाला तो ये सच में काम करता है और हमारे पास उसके फुल प्रूफ रिजल्ट्स है। तो याद रखिएगा माय फ्रेंड, बहुत कम कंपनीज है जिसके प्रोडक्ट पे आपको सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट लिखा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं और लोगों को ये पॉइंट आप जरूर बताइए। अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंस के बारे में। अब ये तीन प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, अब इसको अगर मैं ये पूछूं कि आधे घंटे में आपने क्या सीखा, तो आपको क्या याद रखना है। हमारा जो ये आप इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये तीन चीजें हमने डाली हैं, एलोवेरा डाला, ज़ाइलेटोल डाला और एक शुगर डाला है, पॉलीग्लुकोसाइड्स कहते हैं। ये जो तीन चीजें, ये नेचुरली तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है।
ये किसको लगाना है जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो गई है, स्किन का टेक्सचर अच्छा है बट स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, तो आपको ये वाला क्रीम उनको देना है। तो ये 24 घंटे तक आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और इस पे मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी चीज, ये जो हमारा कोको बटर देख रहे हैं ये उनके लिए है जिनका थोड़ा सा डल स्किन है, स्किन में थोड़ी जान नहीं लग रही है या लाइफलेस लग रही है या थोड़ी रफ हो गई है, तो उनको आप दीजिए क्योंकि उनके स्किन में हाइड्रेशन की उतनी कमी नहीं है लेकिन उनका स्किन जो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो आप उस केस में आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसमें यूनिक क्या है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो जो आपकी एजिंग प्रोसेस जिनकी हो रही है, जैसे आप अपने मम्मी पापा को ये दे सकते हैं, थोड़ा एज हो जाता है तो एंटी ऑक्सीडेंट का रोल करता है, तो आपकी स्किन को यंग रखने में थोड़ा मदद करता है। और तीसरी चीज, जो हमारा ये एमोलिएंट बॉडी क्रीम है वो उनके लिए है जिनकी स्किन ना बहुत लूज हो गई है, जिनको ज्यादा सपल रखना है अपनी स्किन को, या जिनकी स्किन जो है थोड़े सा रिंकल्स वगैरह आ गए, झुर्रियां वगैरह आ गई हैं, हाइड्रेशन की कमी है, तो आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इन तीनों में मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, इन तीनों में हमने मल्टी विटामिन और मिनरल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों चीजें हमने इसमें डाली है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये लोशन और क्रीम में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारे ये दो लोशन है ये ना थोड़े से इसमें फैटी मैटर कम होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये पूरा पानी है, पानी में हमने थोड़ा सा जब हमने इसमें फैटी मैटर ऐड किया, थोड़ा सा क्रीम ऐड किया, तो ये थोड़ा सा जब लोशन होता है उसमें थोड़ा पानी ज्यादा होता है और उसमें क्रीम थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा सा मतलब फैटी मैटर उसमें कम होता है, इसीलिए ये आपकी स्किन पे लाइट होता है और गर्मियों वगैरह के मौसम में ये अच्छा माना जाता है क्योंकि ऑयली नहीं करता है। जितना हम इसमें क्रीम ऐड, जितना हम इसमें फैटी मैटर ऐड करते जाएंगे तब जाकर ये क्रीम बन जाता है। क्रीम का मतलब इसमें फैटी मैटर थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा हेवियर साइड पे होता है और ड्राई, मतलब ऐसा टाइम जैसे ठंडियों में आप कह सकते हैं, ठंडियों में या ड्राई स्किन ज्यादा है तो उन लोगों में ये चीज ज्यादा रिकमेंड की जाती है। तो लोशन और क्रीम में ये कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियों के लिए, ठंडियों के लिए, ठंडियों में चाहे तो आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं बट ये ड्राई स्किन वालों के लिए है और ये जिनकी स्किन थोड़ी डल हो गई है, रफ हो गई है, उनको दे सकते हैं। ये पटी एरिया में लगा सकते हैं, जिनकी क्रैक्ड हील्स है और जिनको ज्यादा भी मॉइस्चराइजर की जरूरत है वो भी इसको लगा सकते हैं। तो अपने नीड के हिसाब से आपको जो क्रीम चाहिए वो क्रीम इसमें लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं। कल हम अपने दो प्रोडक्ट को लेने वाले, जो हमारा एक बॉडी स्क्रब है और एक हमारा स्किन वाइटनिंग लोशन है। तो याद रखिएगा कल का आपको जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो जरूर अटेंड करना है क्योंकि कल मैं आपको इन चारों प्रोडक्ट्स पे एक डिफरेंस बताने वाली हूँ कि किस किस कैटेगरी में आप ये सारे प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। जिन्होंने अभी भी इस हार्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस हार्वेस्ट के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स साइट पे सस्ते रेट्स के पीछे मत भागिए। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है आपको इंडिया शॉपी का जो हमारा आउटलेट है, जिनको जिन्होंने भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है ना, आप उनसे जाकर कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि आप प्रोडक्ट को कहाँ से खरीद सकते हैं। तो वहां से आपको ये प्रोडक्ट लेना है, कभी भी किसी ई कॉमर्स साइट से नहीं लेना है। आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर बिजनेस एंड प्रोडक्ट वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल नाउ।